नमस्कार दोस्तों, राजस्थान ज्योग्राफी में आपका स्वागत है। दोस्तों हम बात करें राजस्थान ज्योग्राफी की, और राजस्थान ज्योग्राफी में हम संपूर्ण राजस्थान ज्योग्राफी का अध्ययन करेंगे, यानी कि जीरो लेवल से लेकर टॉप लेवल तक के संपूर्ण कंटेंट्स को हम इंक्लूड करते हुए और संपूर्ण राजस्थान ज्योग्राफी का अध्ययन करेंगे। तो आइए दोस्तों बिना समय गवाए शुरू करते हैं। हेडिंग ने जैसा कि आपने देख लिया है राजस्थान का भूगोल, बहुत ही बेसिक कंटेंट से शुरू करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे आपको दो नाम दिख रहे हैं, एक नाम राजस्थान और दूसरा नाम भूगोल। सबसे पहले हम इसी शब्द को समझने की कोशिश करते हैं राजस्थान को, फिर हम समझने की कोशिश करेंगे भूगोल को। यहां से एक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने बनता है, वो क्वेश्चन बनता है प्यारे विद्यार्थियों कि राजस्थान क्या है। ऐसे पूछ ले आपसे कोई कि राजस्थान क्या है, तो यहां पे आपका जवाब क्या रहेगा, राजस्थान एक राज्य, या मैं कहूं कि एक स्टेट है। क्लियर, बहुत अच्छी बात है कि राजस्थान एक राज्य है, राजस्थान एक स्टेट है। मैं यहीं से क्वेश्चन पूछ लूं कि राजस्थान एक राज्य है, किसका राज्य है, किसका राज्य है, तो यहां पे जो सबसे सटीक आपका जवाब बनना चाहिए वो बनना चाहिए भारतीय संघ का, भारतीय संघ का। देखो विद्यार्थियों, हम डायरेक्ट इस शब्द का प्रयोग भी कर सकते थे कि भारत का, भारत का, यह भी गलत नहीं था, लेकिन इसको यदि मैं संवैधानिक दृष्टि से देखूं तो हमारे संविधान में हमारे देश को यूनियन ऑफ स्टेट कहा गया है, राज्यों का संघ कहा गया है, और उन्हीं राज्यों के संघ में एक राज्य कौन है राजस्थान, और इसीलिए हमने यहां पर किस शब्द का प्रयोग किया है, भारतीय संघ का। तो बड़ी बेसिक सी बात थी। अच्छा, अगला क्वेश्चन यहां से उठा ले, बहुत ही जीरो लेवल का क्वेश्चन है। एग्जामिनर पूछे क्वेश्चन आपसे कि राजस्थान भारतीय संघ का एक राज्य कब बना, या मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पूछूं कि राजस्थान को राज्य का दर्जा कब दिया गया, तो यहां आपका उतना ही शानदार जवाब आना चाहिए प्यारे विद्यार्थियों कि 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को अपने राजस्थान को संवैधानिक दृष्टि से एक राज्य का दर्जा दे दिया गया था, अर्थात राजस्थान भारतीय संघ के स्टेट के रूप में अस्तित्व में आ गया था। क्लियर, चलो नेक्स्ट बात करते हैं। अब सुनो, हम राजस्थान का क्या पढ़ रहे हैं, हम राजस्थान का भूगोल पढ़ रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों, भूगोल। क्लियर, तो हम क्या उस राजस्थान का भूगोल पढ़ रहे हैं जो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संघ का एक अभिन्न अंग बन गया था, या इसके बाद भी राजस्थान का निर्माण हुआ था? तो आप जानते हैं प्यारे विद्यार्थियों, हम उस राजस्थान का भूगोल पढ़ रहे हैं जो राजस्थान 1 नवंबर 1956 को अपने वर्तमान स्वरूप में आया था, उस दिन वाले राजस्थान का हम आज क्या पढ़ेंगे, भूगोल। तो हम राजस्थान का भूगोल पढ़ रहे हैं उस राजस्थान का जो राजस्थान 1 नवंबर 1956 को अपने वर्तमान स्वरूप में आया, वर्तमान स्वरूप में आया था, उसी राजस्थान का हम क्या पढ़ेंगे, भूगोल। 1 नवंबर 1956 के बाद राजस्थान की भारी सीमावर्ती क्षेत्रों में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है। हाँ, राजस्थान के आंतरिक क्षेत्र में बहुत सारे बदलाव हुए हैं, कोई नए जिले भी बने हैं, तो वो सब चीजें आंतरिक हैं, लेकिन भारी आवरण के आधार पर हम उस राजस्थान का ज्योग्राफी पढ़ेंगे जो 1 नवंबर 1956 को अपने वर्तमान स्वरूप में आ गया था। यहां से 4-5 क्वेश्चन बनते हैं। सुनना, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, राजस्थान को राज्य का दर्जा कब दिया गया, ऐसे पूछ लिया जाए कि भैया राजस्थान को राज्य का दर्जा कब दिया गया, तो आप इतना ही सुंदर जवाब क्या देते हैं, 26 जनवरी 1956
1950 को, लेकिन 26 जनवरी 1950 को राजस्थान को कौन सी श्रेणी के राज्य का दर्जा दिया गया था? तो क्या कहोगे, 26 जनवरी 1950 को राजस्थान को बी श्रेणी के राज्य का दर्जा दिया गया। कौन सी श्रेणी के राज्य का दर्जा दिया गया था? बी श्रेणी। और इसी दिन, नोट में लिखो, विशेष लिखो, नोट लगाओ और नोट में लिखो, इसी दिन संविधान में औपचारिक रूप से राजस्थान नाम स्वीकार कर लिया गया था। तो यहां पे दो तीन बातें हैं, डायरेक्ट पूछता है, आपको भी डायरेक्ट जवाब देना है। आपसे पूछे कि संविधान में औपचारिक रूप से राजस्थान का नाम राजस्थान कब स्वीकार किया गया था, तो अभी क्या कहोगे, 26 जनवरी 1950। राजस्थान को राज्य का दर्जा कब दिया गया? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को राजस्थान को कौन सी श्रेणी के राज्य का दर्जा दिया गया था? बी श्रेणी के राज्य का दर्जा दिया गया था। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई, तो नेक्स्ट बात समझने की कोशिश करो। देखो यहां पे आपने देखा 26 जनवरी 1950 को राजस्थान को राज्य का दर्जा दे दिया गया था, लेकिन एग्जामिनर पूछ ले कि 26 जनवरी 1950 को किसकी सिफारिश पर राजस्थान को राज्य का दर्जा दिया गया, तो आप क्या कहोगे, पी सत्य नारायण राव समिति की सिफारिश पर। किसकी सिफारिश पर राजस्थान को राज्य का दर्जा दिया गया था? पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर 26 जनवरी 1950 को राजस्थान को राज्य का दर्जा दे दिया गया था। अब क्वेश्चन बदल के पूछ ले कि राजस्थान को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया, राजस्थान को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया था, या राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में कब आया था? 1 नवंबर 1956 को। ये दोनों चीजें समझने, बड़ी बेसिक सी बातें थी। यदि इतनी बात समझ में आ गई है तो आगे एक बात और समझने की कोशिश करो। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, हम राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो सबसे पहले राजस्थान की ज्योग्राफी में हम समझने की कोशिश करेंगे कि राजस्थान की अक्षांशीय व देशांतरीय स्थिति, अक्षांशीय व देशांतरीय स्थिति के बाद हम समझने की कोशिश करेंगे राजस्थान का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार। लेकिन राजस्थान की अक्षांशीय देशांतरीय स्थिति और विस्तार को समझने से पहले हमें समझना है अक्षांश व देशांतर रेखाओं को, उसके बाद बाकी चीजों को समझेंगे। तो हेडिंग बनाओ, अक्षांश यानी कि लेटिट्यूड व देशांतर रेखाएं, लेटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, LA, लेटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। क्लियर, इनको समझते हैं। तो सबसे पहले आप दोनों रेखाओं को समझ लो। देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह से आपने दीवार पर टका हुआ एक मानचित्र देखा होगा, क्लियर, और इस तरह से आपने टेबल पर रखा हुआ एक ग्लोब भी देखा होगा, ठीक है। जब सीधा मानचित्र आपके सामने होता है तो मानचित्र का टॉप वाला सिरा है नॉर्थ यानी कि उत्तर, उत्तर के जस्ट अपोजिट में होता है साउथ दक्षिण, राइट हैंड ऑलवेज ईस्ट, और ईस्ट के जस्ट अपोजिट होता है वेस्ट। ये चार मेजर डायरेक्शन होती हैं। और जिस तरह से ग्लोब होता है, ग्लोब का जो टॉप वाला सिरा होता है उसे नॉर्थ पोल कहते हैं यानी कि उत्तरी ध्रुव, बॉटम वाला सिरा होता है इसे कहते हैं साउथ पोल, राइट एंड वाला पोर्शन होता है इसे ईस्ट, जस्ट अपोजिट वेस्ट। चार मेजर डायरेक्शन ये होती है, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, आपने मानचित्र पर कुछ रेखाएं इस तरह से खड़ी अवस्था में रेखाएं देखी होंगी, ये रेखाएं, क्लियर, इस तरह से खड़ी अवस्था में आपने रेखाएं देखी होंगी, तो कुछ रेखाएं आपने इस तरह से भी देखी होंगी
लेटी हुई अवस्था में देखा है मानचित्र पर, क्लियर। ग्लोब पर भी देखे होंगे कुछ अवस्थाएं नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिलाती हुई इस तरह से खींची जाती हैं, इस तरह से। तो कुछ रेखाएं आपने देखा होगा ग्लोब पर कुछ इस आकृति में भी बनी हुई होती हैं, बोलो हाँ या ना। और इन्हीं रेखाओं को अपन क्या कहते हैं, अक्षांश और देशांतर रेखाएं कहते हैं, ठीक है। ये लो, इन्हीं रेखाओं क्या कहते हैं, अक्षांश और देशांतर रेखाएं। इनमें से अक्षांश रेखाएं कौन सी होती हैं, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं अक्षांश रेखाओं की, सिर्फ पहचान बता रहा हूं अक्षांश रेखाएं। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, अक्षांश रेखाएं चाहे मानचित्र पर खींची गई हो चाहे ग्लोब पर खींची गई हो, ये ईस्ट से वेस्ट या मैं बोलूं कि वेस्ट से ईस्ट, यानी कि पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई ये जो रेखाएं हैं, लेटी व्यवस्था में जो आपको रेखाएं दिखाई दे रही हैं प्यारे विद्यार्थियों, ये सारी की सारी रेखाएं कौन सी हैं, अक्षांश रेखाएं हैं। कौन सी हैं, अक्षांश। और जो खड़ी अवस्था में रेखाएं दिख रही हैं, ये रेखाएं खड़ी अवस्था में है, ये कौन सी रेखाएं हैं, देशांतर। देशांतर यानी कि ये लॉन्गिट्यूड्स और ये लेटिट्यूड्स। तो आपको सबसे पहले यह समझना है, जैसे मानचित्र देखते हो तो पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की ओर ये जो रेखाएं देखोगे इस तरह से लेटी व्यवस्था में, इन रेखाओं को क्या कहोगे, अक्षांश रेखाएं। और जो खड़ी अवस्था में रेखाएं देखोगे नॉर्थ से साउथ की ओर, इन रेखाओं को क्या कहोगे, देशांतर रेखाएं। क्लियर। इसी तरह से जब ग्लोब पर जाओगे तो ग्लोब पर जो नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिलाने वाली ये जो खड़ी रेखाएं देखोगे, इन रेखाओं को क्या कहोगे, देशांतर रेखाएं। तो आपने एक चीज कॉमन देखा है कि लॉन्गिट्यूड्स यानी कि देशांतर रेखाएं चाहे मानचित्र पर हो चाहे ग्लोब पर हो, ये नॉर्थ से साउथ की ओर खींची जाती हैं, अर्थात ये रेखाएं खड़ी अवस्था में होती हैं, क्लियर। और ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट जो लेटी हुई अवस्था में जो रेखाएं होती हैं, इन रेखाओं को अपन क्या कहते हैं, अक्षांश रेखाएं। क्या कहते हैं, अक्षांश रेखाएं। तो यहां सिर्फ और सिर्फ हमने उनकी पहचान की बात की है कि कौन सी रेखाएं अक्षांश हैं और कौन सी रेखाएं देशांतर रेखाएं हैं, क्लियर। नेक्स्ट जो क्लास होगी उस नेक्स्ट क्लास में हम सबसे पहले अक्षांश रेखाओं के बारे में बात करेंगे, अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, कितनी होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, कौन सी मेजर अक्षांश रेखाएं होती हैं, किस अक्षांश रेखा को किस नाम से जानते हैं। उसी तरह से हम देशांतर रेखाओं के बारे में अध्ययन करेंगे, दो अक्षांश या दो देशांतर रेखाओं के बीच का स्थान कितना होता है, मेजर लेटिट्यूड्स एंड मेजर लॉन्गिट्यूड्स कौन सी हैं और उनके बीच के स्थान को क्या कहते हैं, ये सब बातें हैं वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो बिल्कुल बराबर बने रहें और एक छोटे छोटे कड़ियों को जोड़कर, छोटे छोटे कंटेंट को जोड़कर हमें बहुत बड़ा महल खड़ा करना है राजस्थान की ज्योग्राफी का। तो आपका सहयोग हमारी ताकत। जय हिंद, जय भारत।